पूरे देश में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी है और स्कूल कॉलेज प्राइवेट शिक्षण संस्थान भी बंद हैं। बिहार में भी सरकारी स्कूल एवं शिक्षण संस्थान को बंद रखा गया है। बच्चों को भोजन के लिए परेशानी न हो इसके लिए सरकार के आदेशानुसार उन्हें कच्चा राशन स्कूल के माध्यम से दिया जाना है, लेकिन कुछ ऐसे भी शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक हैं जो बच्चों का निवाला भी गटकने में लगे हुए हैं। एक ऐसा ही मामला कटिहार के प्राणपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय धबोल का है, जहां सरकार के द्वारा स्कूल के बच्चों के लिए सरकारी अनाज का मुहैया कराया गया है, लेकिन शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के मिलीभगत से बच्चों को कम राशन दिया जा रहा है, जिस कारण बच्चों के अभिभावक काफी आक्रोशित हैं। उन लोगों ने कहा कि सरकार द्वारा एक बच्चे को 8 किलो एवं 12 किलो अनाज दिया जाना है, लेकिन स्कूल प्रबंधन के द्वारा 2-2 किलो अनाज काटा जा रहा है, जो न्यायोचित है। उन्होंने सरकार एवं जिला प्रशासन से मांग किया है कि ऐसे प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई की जाए। 7 किलो 6 किलो 6 किलो उसको 7 किलो भीड़ भाड़ में बच्चा को कपाल फूट गया, 2 बच्चा का व्यवस्था और व्यवस्था नहीं है खाने पीने के लिए, कोई गरीब देता है गरीब पर नहीं देता है, इसलिए बच्चा को भीड़ में कपाल फूट गया है, इलाज भी नहीं है, इसका कोई साधन नहीं करता हमसे। 10 लोग इतना बच्चा में कोई ही नहीं बोलता है कि इसको चाल दोगे, तो गरीब का बच्चा कपाल फूट गया कैसे इलाज करेगा, कैसे खाएगा ये बच्चा। मास्टर साहब चाल कर रहा है बाल्टी से 6 किलो से बाल्टी का चाल वजन करके दे रहा है। एक बच्चा को कितना देना है? एक बच्चा को 6 किलो चाल दे रहा है, 2 किलो करके 2 किलो करके कटौती कर रहा है। और ये बोलता है कि दाल देंगे बाद में खाता में देंगे, धोखा कर पैसा भी नहीं देता है। कितना बच्चा आपके पढ़ते हैं? मेरा 3 बच्चा पढ़ते हैं। 6 किलो दिया? 6 किलो दिया। कितने क्लास में पढ़ते हैं? 1 5 में है, 1 3 में है, 1 2 में है। 6 किलो चावल ही मिला? हाँ। क्या बोलते हैं हेडमास्टर? हेडमास्टर को बोलते हैं कि धबोल गांव है ऐसा ही करता है सब, तो 6 किलो करके देते हैं। नाप के किस चीज़ से दे? बाल्टी से दिया। बाल्टी से 8 किलो में 7 किलो दे रहा है। सर 8 किलो भी शुरू ही उसमें आ रहा है। हाँ तो सुनिए ना, 8 किलो करके लीजिए ना, जान के लीजिए ना, जितना लेने का लीजिए ना। तो बोलिएगा क्या सर, नहीं बताए कितना देर लगा? कुछ नहीं बताएंगे हम, आप लोग का गांव का समाज का आदमी है, हम लोग क्या करेंगे? गांव